बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आयशाज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तख्त भाई के पेशावरी कबाब। ये बकरा ईद की स्पेशल डिश है। तख्त भाई पेशावर में मर्दान के आगे एक इलाके का नाम है, वहाँ पे तख्त भाई चपली कबाब के नाम से मशहूर है। अगर आपने तख्त भाई के पेशावरी कबाब खाने हैं तो मेरी रेसिपी को 1-to-1 फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह घर में बाजार जैसे पेशावरी कबाब तैयार कर सकेंगे। तो चलिए तैयार करते हैं। पेशावरी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें हमने बीफ का घीमा ले लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट है, नमक, कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड हरी मिर्चें जो कि माइल्ड हैं, कुटा हुआ सूखा धनिया, अनारदाना इसको हमने धो के साफ करके पीस लिया है, गरम मसाला जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, मकई का आटा, चॉप्ड ऑनियंस, अंडे जिसका हमने ऑमलेट तैयार करके चॉप कर लिया है, धनिया पुदीना और टमाटर के स्लाइसेस। शावी कबाब बनाने के लिए हम कीमे को तैयार करने लगे हैं, उसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, कुटा हुआ जीरा डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे, कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। इन सब स्पाइसेस को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है स्पाइसेस को। स्पाइसेस डाल के हमने कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर अनारदाना डाल देंगे और साथ चॉप्ड प्याज डाल देंगे और इसको भी अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। प्याज को हमने चॉप करके अच्छे से पुश कर लिया था, इसका पानी जो है हमने निचोड़ लिया था। अच्छे से अब आप कीमे के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें। जैसे आप आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमने इसको ऐसे मिक्स करना है, गूंदना है। जैसे अनारदाना और चॉप प्याज को हमने अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं। अब हम डालेंगे चॉप हरी मिर्चें हैं जो कि माइल्ड हैं, ये डाल देंगे, धनिया और पुदीना है ये डाल देंगे और चॉप टमाटर है ये डाल देंगे और इनको भी आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको अच्छे से आपने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अंडों का जो ऑमलेट है उसको चॉप किया हुआ था, अब वो डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ अब हम मकई का आटा डालेंगे। पेशावरी कबाब का असल जो आपने टेस्ट लेना है तो आपने मकई का आटा ही यूज करना है। अब हम मकई का आटा डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दस से पंद्रह मिनट हो गए हैं, हमने अच्छे से स्पाइसेस को कीमे में मिक्स कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पेशावरी कबाब बनाने के लिए हमने कीमा तैयार कर लिया है, अब हम पेशावरी कबाब तैयार करते हैं।
अब हम कशावरी कबाब को हम शेप देंगे। और आपने बड़े साइज के कबाब तैयार करने हैं और ज्यादा पतले से भी नहीं बनाने, मोटे से बनाने हैं। पतले कबाब बनाने से टूट जाते हैं। ये हमने इसको शेप दे दी है। अब हम इसके ऊपर टमाटर स्टिक कर देंगे और ऐसे हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। पेशावरी कबाब को हमने शेप दे दी है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पेशावरी कबाब को फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। उसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और हीट को हमने मीडियम रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम कबाब लेंगे हाथ में और जो टमाटर की साइड है वो हम नीचे कर देंगे और इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा कबाब लेंगे और उसकी टमाटर वाली साइड को फ्राई करने के लिए डालेंगे, उसको नीचे कर देंगे। पेशावरी कबाब को हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसको आपने 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट ही दूसरी साइड को फ्राई करना है। तो अब हम ये तीसरा भी कबाब डालते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम कबाब की एक साइड डन हो गई है, उसकी साइड चेंज करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबाब, पेशावरी कबाब तैयार हो रहे हैं। कबाब की एक साइड फ्राई हो गई है। अब हम दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त पेशावरी कबाब तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तख्त भाई के पेशावरी चप्पल कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तख्त भाई के पेशावरी कबाब तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसे ही ज़बरदस्त और लजीज कबाब घर पे तैयार कर पाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।